हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी सूजी के केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप इजीली घर पर बना सकते हो, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स में। और इस केक को आप बनाकर 10 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। बिना फ्रिज के भी आप इस केक को 7 दिन तक खा सकते हो। तो चलिए इस ईजी और टेस्टी केक को बनाते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी दही का यूज किया है। दही आप फ्रेश यूज करें, और अगर आपकी दही खट्टी हो चुकी है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड करें, अदरवाइज केक मीठी नहीं बनेगी। दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हम इसमें आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छी तरीके से दही के साथ मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें आधी कटोरी ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी ऑयल में थोड़ा सा घी भी ऐड किया है, आप इसे बिना घी के भी बना सकते हो। और अब हम घी को अच्छी तरीके से दही और चीनी में फेंट लेंगे। यहाँ मैं इसे फेंटने के लिए हैंड विस्क का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक विस्क का भी यूज कर सकते हो। आपको इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ऊपर जो ऑयल दिख रहा है वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए दही और चीनी के साथ। और अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी यहाँ मेरे पास मोटा वाला था, तो मैंने इसे ब्लेंडर जार में अच्छी तरीके से पीस लिया। आप इस केक को बनाने के लिए पतली वाली सूजी का ही यूज करें, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें फिर ही यूज करें। यहाँ मैंने सूजी 1 कप यूज किया है। सूजी को ब्लेंड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से छानकर बैटर में ऐड कर देंगे, और अब बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। टूटी फ्रूटी को मैंने मैदा से अच्छी तरीके से कोट कर लिया, इससे हमारी टूटी फ्रूटी केक ट्रे में नीचे जाके नहीं बैठेगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ बादाम ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें थोड़ा सा किशमिश भी ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे। इससे केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो सिर्फ वेनिला एसेंस या सिर्फ इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। साथ में हम इसमें 1/2 ग्लास दूध ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सूजी दही और दूध को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने मिल्क बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे, और साथ में हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने छोटी चम्मच का यूज किया है। साथ में हम इसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, और अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे बनाने के लिए यहाँ केक ट्रे का यूज कर रही हूँ, आप इसे कोई भी बर्तन में बना सकते हो। इसके लिए केक ट्रे को सबसे पहले ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें अपने केक के बैटर को डाल देंगे, और इसे ओवन या कुकर में बेक कर लेंगे। तो हमारी केक अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है, तो हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनी है। आप इस केक को जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तब बना सकते हो, या इसे चाय के साथ बनाकर खा सकते हो।